अपने वर्कर्स नेताओं का जिन्होंने दिन रात परिश्रम किया, मेहनत की और इस जीत को निश्चित किया। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो यहाँ पे आए, विशेषकर आदरणीय गृहमंत्री जी, जिन्होंने यहाँ पे आके कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया, जनता को विश्वास आश्वासन दिलाया, मैं ये सारा श्रेय सबसे पहले यहाँ की जनता को देता हूँ, अपने कार्यकर्ता को देता हूँ और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को देता हूँ। आने वाले दिनों में जो अपेक्षा, जो आकांक्षा हमारे साथ पाडर नागसिनी की जनता ने रखी है, उस पे खरा उतरने की पूरी कोशिश कर। अगर देखा जाए किश्तवाड़ की दूसरी जो सीट है शोभन जी, वहाँ से भी वो लीड करी और बिल्कुल आधे घंटे के अंदर आपको किश्तवाड़ सीट भी जीतती हुई दिखेगी। यहाँ पे किश्तवाड़ की जनता ने पहले ही फैसला कर लिया था कि जो किश्तवाड़ की बेटी, जिसे हम किश्तवाड़ की लाडली कहते हैं, उसके प्रति जो उत्साह, उसके प्रति समर्थन, समर्पण जो किश्तवाड़ की जनता ने दिखाया था, वो अभी ईवीएम प्रकट कर रही है और आधे घंटे घंटे तक आप किश्तवाड़ की सीट भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में देखेंगे और इंद्रवाल की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई आपको मिलेगी। आदरणीय गृह मंत्री जी का बयान था किश्तवाड़ में कि सरकार अब किश्तवाड़ से चलेगी, किश्तवाड़ के लोग बड़े उत्सुक हैं। उसके लिए शाम तक और इंतजार करना पड़ेगा आपको बाकी चीजों के लिए, लेकिन अभी हम केवल धन्यवाद करना चाहेंगे किश्तवाड़, समस्त किश्तवाड़ के लोगों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखा। थैंक यू।